झारखंड में लगभग 11.5 लाख बीपीएल परिवारों को पिछले 6 महीने से अनाज नहीं मिल रहा है। तब जेएमएम और बीजेपी साथ साथ थी, नई सरकार में भी जेएमएम है, लेकिन अब सरकार इस मामले पर गोल मटोल जवाब दे रही है। झारखंड में करीब 11.5 लाख परिवारों को पिछले सरकार ने बीपीएल योजना से जोड़ा था, अब इन्हें पिछले 6 महीने से अनाज नहीं मिल रहा है। 2 वर्षों तक इन्हें अनाज मिला, आरोप है कि राष्ट्रपति शासन ने इस पर रोक लगा दी। अब बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रही है। अतिरिक्त जो हम लोग सुविधाएं देते थे बीपीएल का, वो सुविधाएं आज अभी की सरकार, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, सरकार ने बंद कर दिया है, जिसके कारण उनके लिए आज सच में एक बहुत बड़ी परेशानी का वातावरण बन गया है। और हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार, यहाँ जो हेमंत सोरेन की सरकार है, ये सरकार जो है कुल मिलाकर गरीबों के पेट पर लात मारने वाली सरकार है। आरोप लगा तो कांग्रेस ने इसे दरकिनार करने की कोशिश की, साथ में ये भी कहा कि गरीबों को अनाज मिलना चाहिए। अब कांग्रेस के ही नेता सरकार से मांग कर रहे हैं कि चूंकि कांग्रेस भी शामिल है और हेमंत सोरेन की सरकार, मतलब जो संगठन में जो लोग भी सरकार में जो लोग भी शामिल है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, हेमंत सोरेन की सरकार कही जाएगी, हेमंत सोरेन जी की सरकार से ये हम अनुरोध करते हैं कि वो तत्काल राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठ करके वो बीपीएल फैमिली जो 11 लाख बनाए गए हैं वो किसी पार्टी विशेष के नहीं है, वो हमारे राज्य की जनता है, एक अत्यंत ही गरीब है, उनके लिए अनाज की व्यवस्था कराना आवश्यक है। लेकिन देखिए हालात क्या है, जब अतिरिक्त लोगों को इस योजना से जोड़ा गया तब भी जेएमएम सरकार में थी और अब भी, लेकिन सरकार खुद संज्ञान लेने की बात कर रही है। इसलिए हमको लगता है कि वार फुटिंग पे काम होना चाहिए और बहुत सेंसिटिव इश्यू है ये, इस पे सीधा प्रशासन की तरफ से रिएक्ट करना चाहिए, केंद्र सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए और जल्द से जल्द अनाज का उठाव और उसका वितरण सुनिश्चित। राज्य सरकार की प्राथमिकता है जनहित के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कि जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करना, तो राज्य स्तर पर भी जो समस्या का निदान हो सकता है करेंगे और भारत सरकार से इस संबंध में बात करेंगे। अगर 11.5 लाख अतिरिक्त बीपीएल कार्डधारियों को मिला दिया जाए तो झारखंड में इस समय ऐसे परिवारों की संख्या 35 लाख से ज्यादा है, लिहाजा सरकार को इस पर गंभीर होना होगा। इस मामले की एक खास बात यह है कि सत्तासीन लगभग सभी पार्टियां मानती हैं कि गरीबों के साथ मजाक हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सत्ताधारी दलों के लोग इस मामले में कोई गंभीर प्रयास करेंगे या यूं ही बातें ही होती रहेंगी। समय के लिए रांची से कैमरामैन शैलेश के साथ मधुकर आनंद।